तारक मेहता का उल्टा चश्मा। 5,000 के लिए लोग लूट लेते हैं तो मेरे पास तो 1,00,000 रुपया है, तो मेरे लूटने के तो 20 गुना ज्यादा चांस है, यानी मुझे 40 गुना ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन रिक्शा ही नहीं मिल रहा। रिक्शा, रिक्शा! जल्दी रिक्शा मिल जाए और जल्दी मैं दुकान पहुंचा। रिक्शा, रिक्शा! यार, आज जोखिम है मेरे पास, प्लीज आज तो आ जाओ जल्दी। जोखिम के बारे में किसी ने सुना तो नहीं ना? रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा! अरे, तुम लोगों की भलाई के लिए मैं आज तक गाड़ी नहीं खरीद रहा हूँ कि सब लोग गाड़ी खरीद लेंगे तो तुम्हारे रिक्शा में बैठेगा कौन? लेकिन लगता है अभी गाड़ी खरीदनी ही पड़ेगी। रिक्शा, 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 रिक्शा! अरे यार, अगर मैं अभी यहाँ खड्डा खोदूंगा ना तो एक बार सोने की खान मिल जाएगी लेकिन रिक्शा नहीं मिलेगी। आप सीरियल में आते हो सर? आप मुझसे पूछ रहे? हाँ, आपको ही पूछ रहा हूँ। आप कौन सी टीवी सीरियल में काम करते हो? आप क्या पूछ रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप एक्टर नहीं है? मैं एक्टर? मैं आपको एक्टर लगता हूँ? हाँ? थैंक यू भाई, लेकिन मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं तो सीधा सादा व्यापारी हूँ। मैं कहाँ टीवी सीरियल में आऊंगा? क्यों नहीं सर, आजकल ऐसे ही लोग टीवी सीरियल में आके फेमस हो जाते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, जेठालाल सावधान, कहीं ये आदमी तुम्हें बातों में उलझा कर लूटने का तो नहीं सोच रहा है? सच में आप कोई फेमस एक्टर नहीं है? ना बोला ना भाई, क्यों दिमाग खा रहे हो? तो वो आदमी आपकी फोटो क्यों खींच रहा है? कौन? मेरी फोटो क्यों खींच रहा था? शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आप कितने फेमस हैं। साहब कहीं छोड़ दो। अरे हाँ भाई, हाँ जल्दी। थैंक यू भाई। कौन हो सकता है वो आदमी और मेरी फोटो क्यों खींच रहा था? ये 1,00,000 रुपए का जोखिम लेकर निकला, वही गलती कर दी मैंने। नट्टू काका या बग्गा को बुलाकर दे दिया होता तो अच्छा होता। रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा! 5 मिनट पहले एक भी रिक्शा नहीं मिल रही थी और अचानक ये सामने से आ गया।
कहीं ये उस आदमी के साथ मिला हुआ तो नहीं है? हो सकता है वो आदमी ने इसे मेरा फोटो भेज दिया हो। अरे बाप रे, कहाँ फंस गया मैं, ये रिक्शा में बैठा ही क्यों? क्या हुआ साहब? नहीं कुछ नहीं। ये तुम्हारे चेहरे पे जख्म का निशान कैसे हो गया? वो पुलिस से बचने के लिए आ गया साहब। पुलिस से बचने में मतलब? वो क्या है ना साहब, बचपन में मैं चोर पुलिस का खेल किया करता था। अच्छा, तभी वो निशान आ गया था। तो तुम चोर बनते थे कि पुलिस? चोर बनता साहब। वो क्या है ना, अभी थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ मैं, नहीं तो पहले चोरी बनता था। पहले ऐसा ना साहब कि भागने में मैं बहुत बड़ा चैंपियन था, कोई मुझे पकड़ ही नहीं पाता था, इसलिए चोरी बनता था सर। ये पक्का मुझे लूटने वाला है, क्या करूं? ये रिक्शा में से उतर के दूसरी रिक्शा कर लो, पर लेकिन दूसरी रिक्शा नहीं मिली तो क्या करूं भगवान। फोटो को खींच रहे हैं। रुक फोटो को, रुक। अरे तुम क्या रुक गया? उसको पकड़ो, उसके पीछे भागो। मेरा फोटो खींच के गया। छोड़ो ना साहब, आपको फोटो ही खींचा है ना, तूने ना गले का सोने का चेन खींच के लेके गए। अरे ऐसे कैसे कोई फोटो खींच सकता है? अरे भगाओ, पकड़ो उसको। छोड़ो ना साहब, आपकी दुकान आ गई। तुम सीधा मुझे मेरी दुकान पे कैसे लेके आए? तुमको मेरी दुकान का पता कैसे पता? क्या साहब, कितनी बार मैंने आपके गोकुल धाम सोसाइटी से आपके दुकान तक छोड़ा। अच्छा, थैंक यू। अरे सेठ जी, आप आ गए? क्या लगता है? आ गए। सेठ जी, आप राकेश भाई को देने के लिए पैसे लाए, 1,00,000 रुपया। धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा? लेकिन सेठ जी, दुकान में हम दोनों के सिवा तो एक बागा है, वो भी पेपर पढ़ने में बिजी है, और कौन सुनेगा? ओ भाई, बागा दुकान में काम करने आते हो या अखबार पढ़ने आते हो? सॉरी सेठ जी, लेकिन आज के अखबार में बहुत ही रोचक खबर छपी है। क्या भागा? सेठ त्रिकम दास 2 दिन से लापता है। लापता नहीं, भाग गए होंगे अपनी बीवी से परेशान होकर। नहीं नट्टू काका, इसमें साफ लिखा है, एक आदमी पिछले 1 हफ्ते से सेठ त्रिकम दास का पीछा कर रहा था और उनकी फोटो भी खींच रहा था। देखो, क्या हुआ सेठ जी, आप अखबार देखकर एकदम भयभीत क्यों हो गए? क्या बताऊं नटू काका, अभी मैं घर से दुकान आने के लिए रास्ते पर रिक्शा ढूंढ रहा था, तभी एक आदमी छुप छुप के मेरी फोटो खींच रहा था। मैंने उसकी ओर देखा तो वो भाग गया। फिर मैं रिक्शा में बैठा था, रिक्शा चल रही थी, अचानक वो बाइक में आया, रिक्शा के बाजू में, और चालू बाइक पर से उसने मेरा फोटो खींचा और भाग गया। नहीं, What happened बागा? What? नहीं, वो नहीं नटू काका, मैं नहीं बोल सकता। क्या क्या नहीं बोल सकता? वो नहीं सेठ जी, जाने दीजिए। अरे क्या जाने दीजिए भाई, तू सस्पेंस बहुत बड़ा, बोल क्या नहीं बोल सकता। नहीं नहीं सेठ जी, बागा तुझे मेरी कसम। सेठ जी,
आपने कसम क्यों दे दी? बागा, दे दी कसम, अभी बोलना पड़ेगा। हाँ बोल। वो सेठ जी, मैंने एक पिक्चर में देखा था जिसमें कातिल कत्ल करने के बाद फोटो खींचता है। लेकिन इसने तो पहले फोटो खींची है। अरे हाँ, वो भी है। कहीं ऐसा तो नहीं उसके दिमाग में बड़ी प्लानिंग चल रही हो? मेबी। सेठ जी, आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए। अगर कोई आपको उठाने आएगा तो हम उसे कहेंगे पहले हमें उठाए। लेकिन बागा, वो हमें क्यों उठाएगा? अरे हाँ, वो भी है। हम तो सवेरे जल्दी उठ जाते हैं। सेठ जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। डोंट वरी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। बागा, बागा जल्दी जा, सेठ जी के लिए एक गर्मा गर्म मसालेदार चाय लेकर आए। जी, गो। क्या करूं, ये तो टेंशन हो गया। वो जाड़िया क्यों मेरी फोटो खींच रहा था? मैं तो सबसे बात करता हूँ। हाँ जेठालाल, बोलो। हाँ हेलो मेहता साहब, कहाँ हो? ऑफिस पे, और कहाँ जाऊंगा? अच्छा, तो एक 10 मिनट के लिए अभी जरा मिल सकते हैं? जेठालाल, मैं पिंजरे में कैद पंछी की तरह हूँ, तुम्हारी तरह जंगल का राजा शेर नहीं हूँ मैं। जी शेर, क्या बोल रहे हैं आप ये? अरे जेठालाल, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ भाई, बिल्कुल पिंजरे में कैद पंछी की तरह। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं हो सकता मेरे जीवन में। और तुम तो अपनी दुकान के मालिक खुद हो, जंगल के राजा शेर की तरह जब चाहो दुकान से निकल जाओ, जब चाहो आ जाओ। मैं ऐसे कभी भी नहीं निकल सकता जेठालाल। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपके पिंजरे में आ जाऊं? अरे नहीं नहीं, ऑफिस में बहुत बिजी हूं जेठालाल, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा मिलना। मेहता साहब, बहुत टेंशन में हूं। जेठालाल, मेहता साहब मेरी बात सुनिए, देखिए मामला बहुत ही पेचीदा और खतरनाक तरीके से रंगीन है। मतलब संगीन है? मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि मामला बड़ा संगीन है। जल्दी से इसकी गुत्थी नहीं सुलझाई तो शायद। चिंता मत करो जेठालाल, कुछ नहीं होगा। मैं ऑफिस से जल्दी घर पहुंच जाता हूँ, और तुम भी दुकान से जल्दी निकल जाओ, और जैसे ही घर पहुंचो मुझे फोन कर देना, हम बैठ के बात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मेहता साहब आप इसके बारे में अंजलि भाभी से कुछ बात मत करना। मैं भी दया को नहीं बताने वाला हूँ, क्या खाम खाओ लेडीज लोगों को टेंशन हो जाता है ना इसके लिए। हाँ हाँ, चिंता मत करो। ओके ओके, मिलते हैं। क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए? सॉरी, गलती हो गई, माफ करना, वापस जाता हूँ, 2-3 घंटे बाद आता हूँ। अरे अरे, ऐसी बात नहीं है, आइए, आपका स्वागत है। तो फिर कैसी बात है अंजलि भाई, पति जल्दी घर आ गया तो इसकी खुशी होनी चाहिए कि नहीं? भाई पति जल्दी आ गया तो कुछ मैं तल के पकौड़े खिलाऊं मेरे पति को, या फिर पास्ता का नाश्ता करवाऊं, और तुम हो के मेरे जाने का रास्ता पूछ रही हो। अरे तारक, वो सब तो मैं बनाने ही वाली हूँ। सच? ऐसा कहने का मुझे दिल तो बहुत करता है पर नहीं कह पाती। आपकी हेल्थ की चिंता जो है, मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या आप पानी लेके आती हूँ? अंजलि, ये तुम बीवियां भी ना बिल्कुल डबल आवाज वाला जैसा बम होता है ना, वैसा होता है। पति अगर ये कहे तो प्रॉब्लम, ये ना कहे तो प्रॉब्लम। पति अगर कहे ना कि भाई तुम मायके मत जाओ, तो बोलोगे तुम्हें परवाह नहीं है, हमारी कोई चिंता नहीं है, और मायके भेज दे तो कहो कि तुम्हें हमसे प्यार नहीं है। लेखक महोदय, आप राइटर है इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, बाकी हम बीवी ऐसी नहीं होती। अच्छा, आज की बात पूछूंगी नहीं कि जल्दी क्यों आए। वैसे आज जल्दी क्यों आए? अभी अभी बोला, अभी मैं पूछूंगी नहीं जल्दी क्यों आए। अंजलि भाई, जेठालाल के कुछ जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा। अच्छा, तो आप अपने परम मित्र के लिए जल्दी आए हैं, मेरे लिए कभी जल्दी आते ही नहीं है। देखो 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 अंजलि, हो गए ना तुम शुरू। सच कहना भी गुनाह भाई, इस चीज की तुम्हें कोई खुशी नहीं है कि पति जल्दी घर आ गया, बस किस कारण से आया उसके लिए प्रॉब्लम है? हां तारक, चिल, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो चलो, 7:30 बज गए, फटाफट सोसाइटी पहुंच के मैं तो सबको सारी बात बता देता हूँ। लेकिन अभी रास्ते में वो फोटो खींचने वाला मिल गया तो काम करता हूँ, नट्टू कक्कर बागा को भी साथ में ले लेता हूँ।
अरे नटो काका जी, सेठ जी मैं घर जाने के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं और बाघा भी अभी थोड़ी देर में दुकान बढ़ा कर निकल जाएंगे। नहीं नहीं वो तो बराबर है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि आप लोग यहाँ से पद्मावती भोजनालय जाएंगे ना खाना खाने। हाँ। तो आप दोनों एक रिक्शा करेंगे, मैं दूसरी अलग रिक्शा करूंगा। इससे अच्छा हम तीनों एक ही रिक्शा में जाते हैं, मैं आपको पद्मावती भोजनालय छोड़ के निकल जाऊंगा, तो क्या आपके रिक्शा के पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन सेठ जी हम लोग पद्मावती भोजनालय चल के जाते हैं तो हमारे रिक्शा के पैसे ऐसे भी बचते ही हैं। लेकिन मैं तुम लोगों को मेरी रिक्शा में ले जाने को तैयार हूँ, फिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे घर छोड़ के तुम लोग निकल जाना पद्मावती भोजनालय। इसका मतलब तो ये हुआ सेठ जी कि रिक्शा में आप हमें नहीं, हम आपको छोड़ रहे हैं। अरे भाई हम आपको छोड़े या आप हमको छोड़े, रिक्शा के पैसे मैं ही देने वाला हूँ, फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? लेकिन सेठ जी बागा, नो आर्ग्यू, बॉस इज ऑलवेज राइट। बागा थैंक यू नटू काका। रोको रोको भाई रोको, क्या हुआ सेठ जी? एनी प्रॉब्लम? नटू काका यही वो जगह है जहाँ सुबह वो आदमी मेरे फोटो खींच रहा था। सेठ जी मैंने कहा ना, हम दोनों के होते हुए आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, रिलैक्स। चल भाई चलो। अरे मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। बगा बगा कोई और गाना गाना भाई। जी सेठ जी। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। अरे भाई तो सब मौत के गाने क्यों गा रहा है आज? सेठ जी मैं भूख के मारे मर रहा हूँ, इसलिए अभी मुझे सब मौत के गाने ही याद आ रहे हैं। मौत महबूबा है एक दिन साथ ले। भाई भाई रहने दे, छोड़ना भाई, जाने देना, अभी पहुंच जाएंगे। बागा कीप मम, बागा यू विल गेट मम मम। बस 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 रोको 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 बस बस। क्यों सेठ जी अब यहाँ क्यों उतरते हैं, घर तक ले लीजिए ना। अरे घर पे रिक्शा ले जाना रिक्शा नटू काका, किसी को पता चल गया कि डर के मारे मैं तुम लोगों को साथ में लेके आया हूँ तो मेरी तो इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। अब तुम क्या सोच रहे हो, ले चलो अंदर ले चलो। नहीं नहीं नटू काका मैं इधर ही उतर जाता हूँ, उतर भाई। नटू काका हम लोग भी यहीं उतर रहे हैं। अरे भाई उतर मतलब तू उतरेगा तो मैं उतर पाऊंगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ उतर। ओ अच्छा अच्छा हाँ चलो नटू काका। हाँ जी हाँ भाई, ये 200 रख, इसमें हो जाएगा ना। हाँ हाँ सेठ जी, इसमें तो यहाँ से पद्मावती भोजनालय तक का और पद्मावती भोजनालय से लेकर हमारे घर तक का हो जाएगा। ठीक है तो चल बैठो और निकलो चलो। सेठ जी बाय। हाँ टीसी। टीसी किधर है? सेठ जी टीसी मतलब टेक केयर है, मतलब अपना ध्यान रखना। हाँ पर तुम लोग तो जाओ पहले। हाँ, चल चल चल। हाँ, बैठ भाई बैठ चलो। हाँ, चलो जाना तो। अरे अरे जगह भाई, अरे जल्दी आ गए दुकान से। हाँ हाँ जल्दी आ गए। अब्दुल मेहता साहब आ गए। हाँ आज मेहता साहब भी जल्दी आ गए। मेहता भाई कोई टेंशन नहीं, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आ तो फिर फटाफट आ जाओ खाना खा के सोडा पीने। हाँ जरूर अभी आता हूँ। बोल
बड़ी अजीब सी बात है दोस्तों, हम सब लोगों को फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक होता है। कैमरा जैसे ही सामने आता है हम सब मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन कोई बगैर पूछे बगैर कहे आपका फोटो खींच ले जाए तो टेंशन हो जाती है। अब देखिए ना, मेरे परम मित्र जेठालाल कोई ताजमहल या लाल किला तो है नहीं कि कोई भी व्यक्ति उनकी फोटो खींचे और चला जाए, लेकिन ऐसा हुआ है कोई तो है जो बगैर पूछे उनकी फोटो खींच रहा है। भाई ये परेशानियां भी जेठालाल का साथ साए की तरह देती है, लेकिन इस वक्त सचमुच एक साया उनके पीछे है। कौन है ये शख्स और ये क्या चाहता है? भाई इस वक्त स्थिति ये है कि जेठालाल का इस साये से बचना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इन परिस्थितियों में दो ही चीजें मुमकिन है, आपकी हंसी और ठहाके। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।